नमस्कार, मैं आपके साथ मनीषा। आप देख रहे हैं द उरई न्यूज। आरटीओ विभाग ने नगर के विभिन्न मार्गों पर चलाया चेकिंग अभियान, जिसमें लगभग 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए हैं। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा, जिसको देख वाहन चालक यहां वहां गलियों में से होकर भागते नजर आए। आरटीओ ने बताया कि अभियान के दौरान 8 स्कूल वाहन, 2 इको गाड़ी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 JCB सहित ऑटो के चालान किए गए हैं। 3 दिन का विशेष अभियान चल रहा है स्कूली वाहनों के। स्कूली वाहन जो बिना परमिट के, बिना मानक के बच्चों को स्कूल ले आ रहे हैं, उनके घर तक ले जा रहे हैं, उनके मानक को, उनकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए, किसी प्रकार से बच्चों के साथ ओवरलोडिंग ना हो, उसको चेक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। उसी के तहत आज कोच नगर में ये अभियान चलाया हूँ और करीब 50 गाड़ियों को मैंने चेक किया है, जिसमें से 3 वाहन ऐसे मिले जो स्कूल परमिट से आच्छादित नहीं थे तथा वो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। उनको कोच मंडी में खड़ी करा दिया गया है। बाकी 3 वाहनों का चालान किया गया है जो मानक के अनुरूप नहीं मिले, उसमें दूर के बच्चे बैठे हुए थे, इसे चालान करके उन्हें छोड़ा गया है और वाहन सही मिले। अभी यह अभियान 3 दिन तक अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। धन्यवाद।